चलिए हमने मजलिस भी करवाई, हमने खाना भी खिलाया, हमने पड़ोसी का भी ख्याल रखा, टीमों को भी कपड़े उपड़े दे दिए जो इस लायक नहीं थे और फीस उस भी भर दी। इस तरीके से अपने वालदैन को खूब नेकियां भेज रहे हैं, मगर उनकी कदा नमाज हम ना पढ़ेंगे ना पढ़वाएंगे, उनकी कदा रोजे ना रखेंगे ना रखवाएंगे, मगर ये सब काम करते रहेंगे। मजलिस भी करवाएंगे, 40वां फातिहा छमाही बरसी हर साल करवाएंगे। वही मैंने कहा ट्रेडिशनलिज्म जो है, रस्मियात जो दाखिल हुई है उनकी वजह से ये बात आ रही है कि जो कुछ रस्मन होता है ये हो रहा है। असलन देखिए एक बात है कि जिस पर जो ऑब्लिगेशन है, जो फराइज हैं और रह गए हैं उनकी अदायगी पहले फर्ज होती है तमाम चीजों से। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आदमी वजू करे, अजान दे, इकामत कहे और कहे काफी सवाब हो गया और चला जाए नमाज ना पढ़े, तो वैसे ही इसमें है कि जो उसका ऑब्लिगेशन है। देखिए मैं कहता हूँ, मेरे एक कोई साहब थे जिन्होंने मिसाल के तौर पर हमारे वाले से 10,000 रुपया कर्ज लिया था, वो उनका इंतकाल हो गया, नहीं दे पाए। अब उनकी औलादें बहुत अच्छी हैसियत में मजलिस करती हैं तो 1,00,000 रुपया खर्च करती हैं, तो हम अपने घर में क्या कहेंगे? मजलिस में 1,00,000 खर्च करते है, मालूम है कि अब्बा का 10,000 रुपए का कर्जा बाकी है, वो नहीं दे रहे। ये कहते हैं हम कहेंगे। और दूसरी बात, ये कयामत में उनके अब्बा को हमारे सामने खड़ा भी होना 10,000 रुपए के लिए अगर माफ नहीं किया तो। तो आप ये बताइए कि ये सूरत हाल अगर पैदा हो रही है तो पहले उनके जो फराइज हैं वो अदा करिए। अच्छा फराइज हम क्यों नहीं अदा करते? कुछ जानते नहीं ना। इसी से हम कह रहे हैं कि भाई साल भर की नमाज आप पढ़ दीजिए, आपने जितने पैसे दिए उसने साल भर की नमाज पढ़ी, तो महल्ले वालों को पता ही नहीं चला। अच्छा महल्ले वालों को कैसे पता चले? हम कहेंगे अब्बा हमारे जो थे उनके ऊपर नमाजें थी, तो ये हम खुद ही नहीं कहेंगे, कहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी अदायगी हो जाए, उनके रोजे छूट गए थे, अब हम रोजे रखवा रहे हैं तो ऐलान तो होगा नहीं। नहीं, और मजलिस होगी कि फला इब्ने फला के इसाले सवाब की मजलिस है, सैयदुश्शुहदा बरपा की गई है, आप हजरात शिरकत फरमाइए, लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा है, मौलाना आ चुके हैं। तो इसमें जो मजा आता है और जो एक इंजॉयमेंट है, वो इंजॉयमेंट उनके हज की अदायगी में कहाँ है? उसमें खराबी भी दिख रही है हमको, इनके अब्बा ने हज नहीं किया था, अरे उनके ऊपर हज वाजिब था, अब ये हज करवा रहे हैं। लेकिन आप इस फिक्र में ना पड़िए, आप उनकी परेशानी को देखिए कि जो उनके ऊपर फर्ज था वो उनके ऊपर बाकी है कर्ज, और अगर उनकी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी जो आपको मिली है, तो आपको मिली ही गलत है, पहले उनके फरीजे सारे जो थे उसमें से माइनस होने चाहिए थे, उनकी अदायगी होनी चाहिए थी, जो बचता वो आपकी मीरास थी, कायदे से आपने उस मीरास में भी गस्प किया हुआ है। क्योंकि इमाम का हक भी उसके अंदर मौजूद है, अल्लाह का हक भी मौजूद है, रसूल का हक भी मौजूद है, पहले उन हकूक को अदा कीजिए। या ये हो सकता है कि अगर हम ये हक अदा करने जाए तो बेघर ना हो जाए, तो क्या ये सोच सकते हैं कि नहीं, तो आप, हो जाएंगे तो आप चलिए ना दीजिए अभी। हाँ। आप कर्जदार तो हो गए। जी जी हाँ, हम अदा करेंगे। 50,000 रुपए आपके ऊपर कर्जा बाकी है, इस जेल में आप रहिए, घर में मत बेचिए। हाँ। आप धीरे धीरे अदा कर दीजिए, कुदरत ने आपके ऊपर ये रहम व करम कर रखा है। लेकिन ये मीरास बढ़ने का उसूल है कि मीरास बाद में बढ़ेगी, पहले उसके फराइज पहले अदा होंगे, आप लीजिए कि सब हम जिम्मेदार होंगे इनके फराइज की अदायगी में, तो जो वसी होगा उसका, जो एग्जीक्यूटर होगा वो काम करेगा।